Question from the back itself. See 56th question. So I always recommend that firstly read the adjustments and then we will be solving the question. When I see notes to account, first of all, I have two type of bifurcation. One is equity share capital, another is 10% preference share capital. It means ki preference share capital ke upar alag se preference dividend calculate karna hamari duty hai. मैं ओपनिंग पे लगाऊं कि क्लोजिंग पे लगाऊं उसके बारे में ही विल टेल अस. देन रिजर्व एंड सरप्लस में अगर मैं देखूं तो आई डू हैव इन द क्वेश्चन एसपीआर. तो जब मेरी शेयर कैपिटल रेस होगी ऊपर डिफरेंस देख लो. इन द बिगिनिंग शेयर कैपिटल इज 4,50,000, एट द एंड इट बिकम्स 550. सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 lakh. एंड व्हेन आई सी एसपीआर, एसपीआर इज ऑफ 10,000 इंक्रीज. सो आई विल बी कॉलिंग दैट 1,10,000 की कैपिटल रेस हुई है. 1 lakh तो डिफरेंस आया उनकी फेस वैल्यू का और 10,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है. देन सरप्लस, सरप्लस का भी देखिए हाउ वी कैलकुलेट. करंट ईयर्स प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, और प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट नहीं था भाई, लॉस था. सो दिस माइनस एंड दिस माइनस विल गेट प्लस. ये प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगी व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट. 150 प्लस 140, सो दिस विल बी योर प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर. You will be adding the appropriations in it. That can be your dividend, that can be your proposed dividend, interim dividend, that can be transferred to reserve, etc. So I have provision for taxation, or niche provision for taxation provided hai. Theek hai? It means ki it is my duty to prepare provision for tax account. Provision for tax account. Aapko sikhaya hai, jab kabhi bhi ek particular item se related adjustment given hai, better to prepare its ledger account in order to find out the missing value. So I have opening balance 20,000. Buy balance brought down. Sorry, it's not 20, it's 40. Two balance carry down. First column is of current year. That is 50,000. फिर आपको सिखाया हुआ इधर बैंक आता है, means tax paid आता है. इधर statement of P&L आता है, means made आता है. तो made का meaning वही है provided. Sometimes he use a word provided. Sometimes he use a word made. So this he is giving. This is 85,000. 35,000 का आपने टैक्स पे किया होगा. जब आप प्रॉफिट को एडजस्ट करोगे तो दिस यू विल बी एडिंग इन द प्रॉफिट एंड 35,000 इज योर टैक्स पेड व्हिच यू विल बी डिडक्टिंग एट द लास्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट? सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड. 35,000, 45,000. नाउ आई एम रीडिंग द एडजस्टमेंट्स. आई हैव मशीनरी इन द क्वेश्चन, एम आई राइट? टेंजिबल एसेट. आई विल बी अज्यूमिंग कि टेंजिबल एसेट में मशीनरी होगी. सो मैं मशीनरी अकाउंट पहले बनाऊंगी. एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं है, सिंपली मशीनरी का अकाउंट बनाइए. एंड आई अज्यूम दैट मशीनरी इज अ पार्ट ऑफ योर टेंजिबल एसेट्स. आई एम प्रिपेयरिंग टेंजिबल एसेट्स अकाउंट. लेट्स प्रोसीड. आई हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ माई टेंजिबल अकाउंट इन द क्वेश्चन. टेंजिबल एसेट्स अकाउंट. So opening balance is 620, closing is 860. Two balance brought down, 620. Buy balance carried down, 860. Done. अब पढ़िए जरा क्या लिखा है. During the year a piece of machinery जिसकी cost कितनी थी 60, जिसके ऊपर depreciation कितना था 20,000, book value हो गई 40. Sold for 50% of the book value. Selling price nahi de rakhi. So I calculated the book value. It means the selling price will be 20,000. You are losing. Loss bhi kitna hua? 20,000. Depreciation provided on tangible asset. Tangible asset ke upar apna depreciation kitna hai? By depreciation, that is 60,000. So this 60,000 will be your non-cash item. You will be adding in your operating activity. Ab iska karte hain. What to do? Buy bank, buy 20,000, buy loss on sale of fixed asset 20,000, buy यहां पे थोड़ा सा आपको माइंड में रखना पड़ेगा बिकॉज ही हिमसेल्फ इज गिविंग यू द टोटल डेप्रिसिएशन. सो व्हाट आई एम अज्यूमिंग उस टोटल 60,000 में सोल्ड पार्ट का भी होगा, ठीक है? तो इसमें 20,000 सोल्ड पार्ट का होगा, 40 क्या होगा अनसोल्ड पार्ट का होगा. दिस आई एम अज्यूमिंग, राइट? सो बाय बैंक जो आपका इनफ्लो बनेगा 20,000, बाय लॉस वो भी आपका कितना है 20,000. दिस 60,000 यू विल पिक एंड यू विल बी एडिंग इन योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी.
मशीनरी का खाता, मैं और तो नहीं कुछ बोला मशीनरी का, फर्स्ट सजेस्टमेंट डन। मेरे को डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का बस डिस्कस करना है आपके साथ। दिस इज 920 और 40, 920 और 40, 960 में से 340 का आपने टेंजिबल एसेट और खरीदे होंगे, ये आपका क्या बनेगा आउटफ्लो, और दिस इज व्हाट योर इनफ्लो, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा भाई दोनों, ये याद रखना। 3,40,000 विल बी योर आउटफ्लो इन योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड 20,000 विल बी योर इनफ्लो इन योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब आगे देखो, डिबेंचर्स के बारे में अगर नीचे कुछ ना लिखा होता तो हाउ वी विल बी ट्रीटिंग इट। डिबेंचर्स बिगिनिंग में 150 के हैं, एंड में 260 के हो गए। अगर वो खुद कुछ ना कहता तो आई विल बी टेकिंग दैट 1,10,000 के मैंने नए रेस करे हैं, वो वैसा ही होना। साथ में उसने लिखा है कि डिबेंचर्स के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। सो आई एम डाउटफुल क्या मैं ओपनिंग के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाऊं कि क्लोजिंग पे लगाऊं। तो इन ऑर्डर टू रिमूव आवर डाउट ही इज गिविंग यू द डेट व्हेन द न्यू डिबेंचर्स आर बीइंग इशूड, और उसी दिन हम लोगों ने बैंक लोन भी लिया। ओके, बैंक लोन के ऊपर भी 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा भाई, क्योंकि 1 अक्टूबर को लोन लिया है। सो इन द बिगिनिंग यू आर हैविंग द डिबेंचर्स 150, एट द एंड यू आर हैविंग द डिबेंचर्स ऑफ रुपीस 260। ये जो 1,50,000 के डिबेंचर्स हैं ये 30th September तक रहे। अगर 30th September तक इतने के डिबेंचर्स रहे, इट मींस कि 150 के ऊपर आपको 6 महीने का इंटरेस्ट लगाना चाहिए। 1,50,000 इंटू 8% इंटू 6/12, अगले 6 महीने डिबेंचर्स बढ़ के कितने के हो गए, 260 के इंटू 8% इंटू 6/12, चलिए जी 2,4, दिस इज 6,000, 4 से मल्टीप्लाई करो, 0,0, 24, 2, 8 और 2, 10। सो आपका डिबेंचर इंटरेस्ट आएगा भाई 16,400, 16,400 विल बी योर डिबेंचर इंटरेस्ट विच यू विल बी एडिंग इन योर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड यू विल बी शोइंग इट एज योर आउटफ्लो इन योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी एज वेल। बैंक लोन जरा देखना कितने का है, स्टार्टिंग में बैंक लोन कितने का था, 50,000 का, अच्छा रीपे किया ना, और एंड में बैंक लोन कितने का था, 40,000 का। देखना जरा, 50,000 का बैंक लोन बिगिनिंग में था, एंड में बैंक लोन आपका कितने का हो गया, सी फ्रॉम दिस साइड, इन द बिगिनिंग यू आर हैविंग द बैंक लोन ऑफ 50,000, एट द एंड इट बिकम्स 40, इट मींस कि 10,000 का मैंने रीपे किया, और बैंक लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी है। वो कहता सेम डे जिस दिन मैंने नए डिबेंचर रेस करे उसी दिन ही बैंक लोन की रीपेमेंट करी, मींस 1 अक्टूबर को करी। इज इट 31st October और फर्स्ट ईयर, 6 महीने का ही लगना। तो 50,000 का लोन आपका 6 महीने के इंटरेस्ट के साथ चलेगा, 40,000 क्योंकि उसके बाद 10,000 पेमेंट होगी, 40,000 के ऊपर 8% 6 महीने का लगेगा। बैंक लोन का इंटरेस्ट देखो 8% ही है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, यस, इंटू 8% इंटू 6/12, फिर कम हो गया आपका कितने का हो गया, 40,000 का इंटू 8% इंटू 6/12, सो इट इज 2,000, 1,600, दिस इज 3,600, 3,600 विल बी इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन विच यू विल बी ट्रीटिंग एज योर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यू विल बी एडिंग इट इन योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड यू विल बी शोइंग इट एज एन आउटफ्लो इन योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट। अब प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में डिस्कस करते हैं, ये 2,90,000 ऐसे ही रहने दीजिए, ये सारी चीजें हमें चाहिए होंगी। हाँ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल स्टार्टिंग में कितने की है, 3,00,000, एंड में कितने की हो गई, 2,00,000, देखना जरा इधर, इन द बिगिनिंग इट इज 3,00,000, एट द एंड इट इज 2,00,000, इट मीन्स की 1,00,000 की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपने रिडीम करी, एम आई राइट। अब क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के साथ आपको डिविडेंड की परसेंटेज दे रखी है, ये तो आउटफ्लो आएगा, 1,00,000 आउटफ्लो आएगा, लेकिन वो कहता है मैंने रिडेम्पशन साल के एंड में करी है, साल के एंड में करी है, मींस जो 3,00,000 में से 1,00,000 की पेमेंट हुई है साल के एंड में, तो ये अपना डिविडेंड लेके जाएगा। आपने डिविडेंड प्रेफरेंस डिविडेंड 3,00,000 पे ही लगाना, कितने परसेंट है, 10%, सो प्रेफरेंस डिविडेंड आपका 30,000 आएगा,
पहले तो ये याद रखना आपको. सो दिस इज योर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. ऊपर क्या करेंगे, इसी में ऐड कर देना ना प्रॉफिट में डिविडेंड. वी विल बी एडिंग इन योर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड यूआई कैलकुलेट करने के लिए. एंड वन थिंग मोर, कहता जो रिडेम्पशन करी है ना वो मैंने 5% प्रीमियम पे करी है. मींस जिस बंदे का मैंने 100 देना था उसको 105 दिए, तो जिसको मैंने 1,00,000 देना उसका 5% ऐड करो, इट मींस आई विल बी रिडीमिंग इट एट रुपीज 1,05,000. प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन आपका एक लॉस है एंड दैट इज टू बी ट्रीटेड लाइक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. बींग अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस यू विल बी एडिंग इट इन योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी. So with these working notes, we are going to proceed now to calculate our operating activity. मेरे को ये सारी calculations चाहिए, इसलिए I will be doing it here. 290 में ना transfer to reserve है, yes tax है मेरे पास. Tax कितना? Made वाला, where is the tax provision for tax? ये 45,000 I will be adding, and then dividend I will be adding. 320 में 45 ऐड किया तो 365. सो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई आएगा 3,65,000. उसने तो सीधा आंसर 375 दिया ना. चलो करना शुरू करते हैं. तो इसके आगे क्या लिखेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल रहे हैं बिफोर टैक्स एंड ईओआई. अब अगला स्टेप क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस. नॉन कैश में सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है डेप्रिसिएशन. सो आई विल बी राइटिंग डेप्रिसिएशन 60,000. क्या गुडविल है? गुडविल रिटर्न ऑफ है, बिल्कुल है. गुडविल बिगिनिंग में कितने की थी? 40,000 की. एंड में कितने की होगी? 15 की. 25,000 की गुडविल रिटर्न ऑफ है. देन लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है, दैट इज 20,000. देन प्रेफरेंस डिविडेंड है 30,000. सॉरी ये पहले से ऐड कर लिया. इंटरेस्ट है, दो तरह के इंटरेस्ट है, डिबेंचर इंटरेस्ट 16,400 और बैंक लोन का इंटरेस्ट 3,600. तो 3,600 आई विल बी एडिंग, 16,400 आई विल बी एडिंग. अब सारी आइटम्स चेक करते हैं. शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल का कोई डिविडेंड नहीं है, प्रेफरेंस डिविडेंड हमने कंसिडर कर लिया. ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी नहीं देखा स्टूडेंट्स. ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 30,000 है बिकॉज जनरल रिजर्व इन द बिगिनिंग इज 120 एंड एंड में 150 हो गया. 30,000 वो भी एड होगा. So your question will get start with 395. मैंने पहले 365 लिखा था, now it is 395. सारी आइटम्स एक बार फिर से स्टडी करो. शेयर कैपिटल डन, रिजर्व एंड सरप्लस डन, डिबेंचर इंटरेस्ट डन, बैंक लोन का इंटरेस्ट डन, टीपी बाद में डिस्कस करेंगे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में हमारा टैक्स है वो भी हमने डिस्कस कर लिया, लॉस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, डिबेंचर इंटरेस्ट डन. That's it. चलिए जी एड करें 85, 1,05,000. ये 20,000 बना, 1,25,125, 0,0,0, अगेन 0, 1 कैरी हुआ 11 और 1,12, 1,520. सो क्या क्वेश्चन में कहीं नॉन ऑपरेटिंग इनकम है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या आता है? रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, वी डोंट हैव एनी टाइप ऑफ इनकम और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कोई भी इनकम हमारे पास नहीं है, राइट? सिंपली आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस व्हिच वी कॉल 5,20,000. नाउ सी द वर्किंग कैपिटल चेंजेस. यस स्टूडेंट्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग वी विल बी कंसिडरिंग इन योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी. यहाँ पे छोड़ दो. ट्रेड पेबल 10,000 से बढ़ा, सो 10,000 एड होगा. इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, करंट लाइबिलिटी का बढ़ना, इनफ्लो. शॉर्ट टर्म प्रोविजन मैंने लेना नहीं. वन न्यू थिंग यू आर लर्निंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन, करंट इन्वेस्टमेंट. यू नो करंट इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ कैश इक्विवेलेंट दैट वी विल बी एडिंग एंड वी विल बी ट्रीटिंग इट एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन वेयर वी एड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. देन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का बढ़ना 95,000 से, मीन्स आपने और खरीदी है, सो 95,000 माइनस होगा. आगे चलते हैं. ट्रेड रिसीवेबल 2,00,000 से 2,00,000 के ही रहे, चलिए जी छोड़िए. 10,000 एड किया, यहाँ पे टोटल आया आपका 520 में से 95,000 माइनस किया, 0,0,0, दिस इज 5, दिस इज 11, 2, 4,25,000 टैक्स माइनस करना है. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स हियर? 35,000 पे, 0,0,0, 9, 3,90,000 इज आर आंसर
but he is writing it is 375. So we have the difference of 15,000. Let's see. Sale of machinery, investing देखो, sale of machinery that is 20,000, right? Purchase of machinery negative, outflow हमने खुद balancing figure निकाली 3,40,000, right? एक non current investment भी है question में, non current investment 80,000 से बढ़ के 125 हो रही है, that is purchase of non current investment. तो 340 प्लस 45 ये आपका कितना बना 385 नेगेटिव है, उसमें से 20 माइनस करो, इसका मैच हो रहा है 365 इज कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, राइट? 365,000 इज कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. आई नीड टू इरेज इट बिकॉज दीज थिंग्स आई नीड, ठीक है, ये मेरे को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चाहिए तो मैं इरेज नहीं कर रही. फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आना भाई, लॉन्ग टर्म बोरोइंग इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल दैट इज ओनर्स फंड्स, देन प्रेफरेंस डिविडेंड, डिबेंचर इंटरेस्ट, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. लेट्स सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी हियर. फाइनेंसिंग शेयर कैपिटल बढ़ रही थी, वॉज इट इंक्रीजिंग, ऊपर देखो बोर्ड. फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमारे पास क्या है, शेयर कैपिटल 4.5 से 5.5 लाख हो गई, और मैंने बोला था 10,000 प्रीमियम पे है बिकॉज एसपीआर ही इज गिविंग. तो क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल रेस्ड एट प्रीमियम, बता के आना एग्जामिनर को कि एसपीआर मैंने इसमें ऐड किया है, एट प्रीमियम 1,10,000. पहले सारे पॉजिटिव वाले देखो, बैंक लोन की रीपेमेंट है वो माइनस करेंगे. डिबेंचर्स वर ऑल्सो रेस्ड 1,10,000, डिबेंचर्स 1,10,000, डिबेंचर्स रेस्ड वो भी 1,10,000 ही है. अब सारी पेमेंट्स करेंगे, ये दो पॉजिटिव हैं. नाउ प्रेफरेंस डिविडेंड 30,000 पेड, नेगेटिव डिबेंचर इंटरेस्ट 16,400 नेगेटिव, बैंक लोन इंटरेस्ट ऑन लोन 3,600 नेगेटिव. लोन की रीपेमेंट भी है स्टूडेंट्स, लोन रीपेड 10,000, 50 से 40,000 हो गया, 10,000 लोन रीपेड डन. अब लोन के बारे में मेरे को डाउट है, आई विल बी एनालाइजिंग फ्यू इलस्ट्रेशन और देखेंगे, लोन को इसने फाइनेंसिंग तो नहीं माना, तो हो सकता है 20,000 का डिफरेंस इस एक्टिविटी में भी आए, ठीक है. अदरवाइज बैंक ओवरड्राफ्ट को वो यहां पे लेता है, कैश क्रेडिट को भी वो यहां पे लेता है, तो यहां पे 10,000 का मेरे को अभी डाउट है, ठीक है. उसके बाद है हमारे प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड 1,05,000, व्हाई, बिकॉज एट प्रीमियम वी आर रिडीमिंग इट, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड एट प्रीमियम दैट इज 1,05,000. तो ये सारी लिस्ट हमारी नेगेटिव की है, ठीक. सारी आइटम्स एक बार चेक करो, शेयर कैपिटल का हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हमने पहले से डिस्कस कर लिया हुआ है, डिबेंचर्स वी हैव डन विद, बैंक लोन वी हैव डन विद, और करंट एसेट्स में तो कुछ होता ही नहीं है. सारी एडजस्टमेंट्स भी हम लोगों ने कर ली, इनकम टैक्स इधर आता नहीं है, एडिशनल हो गए, प्रेफरेंस हो गए. चलो जी करें, दिस इज 210 है ना, 220 हमारा पॉजिटिव है. चलो नेगेटिव वाला देखो, 16,400 और 3,600 ये बढ़िया, 20 और 30, 50, 60 और 165 नेगेटिव, 0, 0, 0, दिस इज 5, 21. देखो 55,000 आंसर है, देर इज अ डिफरेंस ऑफ 30,000 हियर, और उधर कितना डिफरेंस था, 30,000 की एक आइटम थी, हाँ प्रेफरेंस डिविडेंड हम लोगों ने माइनस ही किया, इसका आया 55,000 हमारा, एंड ही इज सेइंग इट इज 85,000. चलो आइटम्स एक बार डिस्कस करते हैं.